दूसरे दिन जब पब्लिक प्रोग्राम था, एक रात उससे एक दिन पहले रात को मूसलाधार बारिश, पूरा ग्राउंड पानी से लबालब था। दादी आई आ चुकी हैं, दूसरे दिन प्रोग्राम है, इतनी मूसलाधार बारिश, पूरा ग्राउंड पानी से भरा हुआ। अब हम सब हैरान, कैसे करना है कैसे करना है। दूसरे दिन फिर कुर्सियां एक्स्ट्रा बढ़ाई गई ग्राउंड पे, वो जेपीसी वो मशीन लगा के रास्ता बना के पानी निकाला गया। आप हैरान होंगे, शाम का प्रोग्राम था, बारिश तो रुक गई, लोग ये ग्राउंड पे प्रोग्राम हो रहा है, लोग भीग भीग के आ रहे हैं, इधर से भीग के आ रहे हैं, इधर से भीग, उस ग्राउंड के चारों ओर बारिश हो रही है, शाम को ग्राउंड पे बारिश नहीं हो रही। दादी भैया माना, लोग भीग के आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि पानी गिर रहा है, वो बोल रहे हैं पानी गिर रहा है, और यहां देखो तो पानी बारिश के एक बूंद नहीं। तो जो आत्माएं प्रकृति भी उनकी अवहेलना नहीं कर सकती है, प्रकृति भी उनका डिसरिगार्ड नहीं कर सकती, आप समझना। आज बाबा ने कहा अकाली मृत्यु का दौर, आज था मुरली में, आप जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, अगर आपकी जो ये अब जो समय है दौर है वो बड़ा खतरनाक है, आप समझ रहे हैं। हम हंसते खेलते जा रहे हैं गाड़ी में, कुछ नहीं माना, आज दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप सच्चे अर्थों में बाबा के बच्चे हैं, श्रीमत को पालन करने वाले, बाबा की याद में रहने वाले, प्रकृति की सेवा करने वाले, तो प्रकृति ये धरती ये आकाश ये जल ये वायु ये अग्नि आपके विरुद्ध आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बहुत अनुभव हैं, प्रकृति की सेवा कैसे करनी है, सकाश कैसे देनी है, वो बहुत सारे अनुभव हैं। लेकिन प्रकृति को एक अपने मित्र की तरह, प्रकृति को अपने साथी की तरह, जब तक हम प्रकृति की सेवा नहीं करेंगे, प्रकृति को सत्वप्रधान बनाने के लिए वो योगयुक्त वाइब्रेशन नहीं देंगे। बाबा ने कहा ना, चारों तरफ भूकंप होगा, बाढ़ होगी, अकाल होगी, लेकिन जहाँ योगी आत्मा होगी वहाँ आसपास के लोग भी सेफ होंगे। ये प्रैक्टिकल चीज है, लोग बाहर भागेंगे, कहते ना संत बैठा है योगी बैठा है, लोग बैठे हैं, अचानक भूकंप आया, लोग भागे, संत बैठा है शांत हुआ, सब आए, योगी को बोला आप भागे नहीं, बोले मैं भी भागा था, आप लोग बाहर भागे थे, मैं अंदर भागा था, मैं भी भागा था, आप लोग बाहर भागे थे, कहाँ भागते, मैं कहाँ भागा था, मैं अंदर भागा।